हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजकेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुजकेट 2025 का एग्जाम डेट का अनाउंस कर दिया गया, वो होगा 23 मार्च 2025 को। इसका फुल फॉर्म है वो है गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एक तरह का स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कंडक्टेड बाय गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो नॉर्मली कोर्स ऑफर करती है इंजीनियरिंग और फार्मेसी का कोर्स, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और एग्जाम मोड और एप्लीकेशन मोड दोनों मोड ऑनलाइन मोड में होता है। डेट्स की बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आउट होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025। एप्लीकेशन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है वो थर्ड वीक ऑफ जनवरी। एडमिट कार्ड आउट होगा थर्ड वीक ऑफ मार्च। एग्जाम डेट 23 मार्च को है। रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। काउंसलिंग स्टार्ट होगा मई 2025। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वो भी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 को। आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से फुलफिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन फैसिलिटी आपको दिखता नहीं है। लास्ट डेट है 4th वीक ऑफ जनवरी 2025। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें 350 रुपये एप्लीकेशन फीस है, वो भी ऑनलाइन मोड में, और एप्लीकेशन का जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। आप इजीली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर SBI EPI सिस्टम के थ्रू भी आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। आप कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मली नेम, गार्जियन नेम, उसका सिंपली आपको लॉगिन करना रहेगा यूनिक आईडी और पासवर्ड के थ्रू, जहाँ पे आपको नंबर, नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड आपको प्रॉपर तरीके से देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू करके एप्लीकेशन फॉर्म को चेकआउट करके आप इजीली तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको नॉर्मल 12th पास आउट होना पड़ेगा। आपको भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। PCM और PCB कोई भी फार्मेसी कोर्स के लिए PCB है, PCM फॉर इंजीनियरिंग कोर्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका 45% मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स फॉर SC ST कैटेगरी। अगर फाइनल ईयर में हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन मोड में होता है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लैंग्वेज होता है गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 और 120 मिनट का आपको टाइम मिलता है। एक करेक्ट आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है और एक गलत आंसर पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है। सिलेबस के बारे में बात करें तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो एटम्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक करंट, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। केमिस्ट्री का सिलेबस है सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंटेनिंग नाइट्रोजन, अल्कोहल, पॉलीमर्स एक्सेट्रा। मैथ्स के जो सिलेबस है वो हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, डिफरेंशियल एंड इक्वेशन, वेक्टर, अलजेब्रा, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। बायोलॉजी जो सिलेबस है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सीज, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इट्स एनवायरमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी। इसके रिगार्डिंग में आपको भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको नई वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।